क्या कैलाश पर्वत के अंदर आज भी 7 अमर साधु बैठे हुए हैं? आखिर कैलाश पर्वत की चोटी ऊपर से कैसी दिखाई देती है? क्यों कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक कहा गया है? इसकी गुत्थी आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सभी बातों के बारे में और आपको ले चलेंगे एक ऐसी जर्नी पर जहां आपको बहुत सी नई और रहस्यमय बातें पता चलेंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जय महाकाल जरूर लिखें। कहते हैं कि रशियन सोवियत जर्मनी सभी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी सफल न हो पाया। हिंदू सनातन धर्म में इसे बेहद ही पवित्र माना जाता है लेकिन हमारे ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत पर एक ऐसी गुफा है जहां आज भी 7 अमर साधु तपस्या में लीन हैं, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं देख पाया है। कई सारे पर्वतारोहियों का ये दावा है और ये माना जाता है कि कैलाश पर्वत में एक ऐसा भाग है जहां पर चढ़ाई करते समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई गुफा मौजूद है और वहाँ कोई मंत्रों का जाप कर रहा है। हमारे पुराणों में भी इस बात का दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत की एक गुफा में अमर सप्त ऋषियों का निवास है। इन ऋषियों के नाम हैं कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जगदम मुनि और ऋषि विशिष्ट। इन सभी को सप्त ऋषि कहा जाता है और ये सभी अमर हैं। कहा जाता है कि रामायण काल में ये सप्त ऋषि कैलाश पर्वत पर आए थे और यहीं पर तपस्या में लीन हो गए। यही वो सप्त ऋषि हैं जो स्वयं भगवान शिव के शिष्य थे और इन्होंने ही सनातन धर्म का प्रचार किया था। कुछ पर्वतारोही बताते हैं कि कई वर्ष पहले कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय एक स्टुअर्ट नाम का साथी उनके समूह से बिछड़ गया था, जो सही मार्ग ढूंढते हुए उस गुफा में जा पहुंचा जहां सप्त ऋषि तपस्या में लीन थे। उन ऋषियों के शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश को देखते ही स्टुअर्ट अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, क्योंकि वह सप्त ऋषि नहीं चाहते थे कि उनकी गुफा तक कोई भी पहुंचे। जब उसे ढूंढने की कोशिश की गई तो वो कहीं नहीं मिला, लेकिन जब पर्वतारोही वापिस अपने कैंप में आए तो उन्हें वो वहाँ दिखाई दिया जो पागलों की तरह हरकतें कर रहा था और बार बार सेवन सेंट्स कह रहा था। यानी कि ये वही सप्त ऋषि हैं जिनका हमारे पुराणों में व्याख्यान मिलता है और ये इस बात का पुख्ता सबूत भी है कि कैलाश पर्वत पर 7 ऋषियों का समूह आज भी मौजूद है। आपका इस बारे में क्या विचार है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। कैलाश पर्वत से जुड़े सभी रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण सभी ग्रंथों के पन्नों को पलटकर देखा। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन एक बात हर ग्रंथ में सामान्य है कि भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर विराजमान है। अब सबके मन में प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना, इसके पीछे क्या रहस्य है? इस संबंध में हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि कैलाश पर्वत धरती के केंद्र में स्थित है। संभवतः यही कारण हो सकता है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया ताकि वो इस स्थान से पूरी तरह से सृष्टि को संचालित कर सके। आइए बात करते हैं कि क्यों कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है और क्या है इसका रहस्य। कहते हैं कि जहाँ स्वयं भगवान शिव हो वहाँ मानव का पहुँचना कठिन है। ऐसा भी माना जाता है कि इस पर्वत पर रहने वाली अदृश्य शक्तियाँ स्वयं नहीं चाहती कि कोई मानव इस पर्वत पर चढ़े। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर लोग पहुंच चुके हैं लेकिन कैलाश पर्वत की चढ़ाई करना आज भी रहस्यमय बना हुआ है। इस पर्वत के रहस्यों को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया है। उन्हें आभास हुआ है कि इस पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। कैलाश पर्वत की पवित्र धमनियों का रहस्य क्या है अब आपको ये बताते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों ने तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज भी सुनी है। कैलाश पर्वत पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो हजारों फीट ऊंची विशाल काय जटाधारी आकृति का आभास होता है। ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान शिव तपस्या में लीन है। जिन लोगों ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की उनका कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो।
आइए अब कैलाश पर्वत पर ना चढ़ाई कर पाने के कुछ भौगोलिक कारण जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, यानी कि ये पृथ्वी का, हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। भौगोलिक जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपना स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत पर पहुँच पाना असंभव है। कुछ जानकारों का तो ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर ही घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है और वो इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय ये भूल जाते हैं कि सही रास्ता किधर है और वो गलत रास्ते पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं और पहुंच जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान से कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं तो कभी बाएं सरकता हुआ भी नजर आता है। इस चमत्कार को देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंचने का अपना साहस खो देते हैं, लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथों की माने तो उसके अनुसार वहाँ पर रहने वाली अदृश्य शक्तियाँ ये नहीं चाहती कि मानव वहाँ पहुँचकर धरती की तरह उस स्थान को भी अपवित्र कर दे, इसलिए आज तक कैलाश पर्वत पर विजय पाना असंभव है। कैलाश पर्वत के बारे में आपको एक बात और जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि यहाँ पर उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। जी हाँ, एक पर्वतारोही जिसका नाम था लॉरेंस डिसूजा, उसने एक बार पक्का निश्चय किया कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहेगा, लेकिन जब उसने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की तो उसके थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो वापस लौट आया और वापस आकर उसने अपनी यात्रा के जो अनुभव लोगों के साथ साझा किए उन्हें सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसने बताया कि जब मैंने अपनी चढ़ाई शुरू की थी तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मेरे साथ बहुत ही अचंभित घटनाएं होने लगी। लॉरेंस ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत की चढ़ाई के लिए यात्रा पर निकला था तो उसकी उम्र 30 वर्ष थी और उसके सर के बाल काले थे, लेकिन जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत पर आगे चढ़ाई करते हुए बढ़ता रहा उसके सर के बाल सफेद होने लगे, उसके चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी, उसके नाखून इतनी जल्दी जल्दी बढ़ने लगे जैसे कि एक महीने में बढ़ते हैं उतने ही नाखून एक दिन में बढ़ जाते थे और उतने ही बाल एक दिन में बढ़ जाते थे। उसे लग रहा था कि समय बहुत तेजी से चलने लगा है। उसे अपने शारीरिक क्षमता में भी कमी महसूस होने लगी और वो अपने आप को जवान से बूढ़ा महसूस करने लगा। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर वो घबरा गया और उसने कैलाश पर चढ़ने का इरादा त्याग दिया और वो वापस लौट आया। वैज्ञानिकों ने भी इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के प्रतिकूल बताया है, इसीलिए आज तक कोई कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय महाकाल जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे और वीडियो में। हर हर महादेव।